सर्वेषां नमो नमः, नमो नमः महोदय। हेलो, नमो नमः अरुण जी। नमो नमः महोदय। एक मिनट, मैं देखता हूँ बाकी कौन ज्वाइन कर रहा है। मतलब वो आपको भी दिखाता है क्या? ऑब्वियसली, तभी तो वो ऑप्शन का फायदा क्या है यदि वो आपको अलाउ नहीं कर। मुझे मुझे लगता था कि आप कुछ लिख रहे हैं उसमें हाईलाइट के लिए, मेरे हाईलाइट के लिए वो दिया ऑप्शन। मुझे नहीं पता था वो, मैं जो लिखूंगा आपका ऊपर है भाई। ओके, तो अभी आप उसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि या कर मुझे सकते पता नहीं है किधर दिखता है। ओके, इरेजर भी दे दिया है। हाँ ऑप्शन चला गया। हाँ अब चला गया। हाँ नहीं, ऐसा कभी कभी कर सकते हैं, जैसे आप कुछ सही में कर बताना चाहते हैं, कुछ ड्रॉ करके या कुछ लिख के कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो देन यू शेयर योर स्क्रीन एंड आप दिखा सकते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है या कुछ आपने कहीं कोई वीडियो देखा और उसके बारे में कुछ पूछना है, तो वो तो कर सकते हैं, दैट इज फाइन। तो उसके लिए वो ऑप्शन है मतलब आप अलाउ करने से इधर आता है इसमें के? हाँ, वो बाय डिफॉल्ट अलाउड है, मतलब मुझे बहुत बहुत सारे, मतलब मैंने देखा था पहले भी वो मार्क था, मुझे पता नहीं था का वो किस लिए उसका होता है। अच्छा, हाँ पता चला। तो एनोटेशन मतलब जो भी पेज में पढ़ रहे हैं उसमें, जैसे हम अपने बुक्स में अंडरलाइन करते हैं, स्टार बनाते हैं, अंडरलाइन ऐसे कुछ करते कुछ हैं। करते हैं ना, दैट इज एनोटेशन। ओके ठीक है, तो अभी हमने क्या बात किया था? तो सम्यक, तो एक बार जरा थोड़ा सा एक खाली पेज मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे बना लेंगे। देखिए सम्यक सम्यक करोतु कह सम सकते हैं, तो करोतु सम्यक करोतु करोतु या फिर करोतु सम्यक सम्यक भवतु भी करोतु कह सकते हैं कि आपके साथ सब अच्छे से हो। तो भवतु इज मोर लाइक अ भवतु विश। ठीक है, भवतु कि भवतु ऐसा विश। हो। ओके भवतु चाहो। ऐसा हो, और करो तो इज मोर लाइक प्लीज डू, तो अच्छे से करना सब कुछ, ऐसे हम बोलते हैं प्लीज डू। ये रिक्वेस्ट है ये विषय। हाँ, तो थोड़ा सा अंतर है, बट डिपेंडिंग ऑन यूज या नीड ऑफ द यूज, हम यूज उसका उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो चारुलता जी तो अभी भी नहीं आई, पर ठीक है, उनसे बात तो हो गई थी मेरी, अब देखते हैं तो हम कहाँ पे थे पिछले बार। हमने ये कर लिया था क्या, औषधम कुत्रस्ति? औषधम औषधालय अस्ति। औषधालये अस्ति, और ओके आप उन्हें भी बोल सकते हैं, ये जनरल बाजार या आपने मार्केट के आपने लिए बाजार बाजार मार्केट है ना, तो वो भी बोल सकते आपने हैं। अस्ति। और औषधालय इज मोर अप्रोप्रिएट, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट बट यू वांट टू से। बाजार में भी औषधालय तो सो कर सकते हैं। हाँ, और गृहम और ये विसर्ग, ये दोनों का हमने उपयोग कर लिया था।
विलहम में अनुस्वार जब भी लगेगा, अनुस्वार कब लगता है वो याद है आपको? वो नेक्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग व्यंजन है तो अनुस्वार लगता है। हाँ स्टार्टिंग वर्ड है जो, यदि अगला नहीं स्वर है तो मा लगता है। हाँ अगला व्यंजन यदि व्यंजन है तब वैसा होगा, गृहम मतलब अनुस्वार तब लगेगा। और ठीक है, ये नियम जो है आपको एक बार याद हो जाएगा तो इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, पर ध्यान में रहता है, एक बार समझ में आ गया तो फिर तो आप किसी और को भी समझा सकते हैं। इसका उपयोग हमने करके देखा था अस्ति, अस्मि और असि। हाँ 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 अस्ति इस प्रथम पुरुष, जो थर्ड पर्सन के लिए वो प्रथम पुरुष के लिए, असी वो मध्यम पुरुष के लिए, तो बालकः अस्ति पर प्रथम प्रथम पुरुष, अहम अस्मि, तो इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इसके उदाहरण के लिए है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, और असि इज फॉर मध्यम पुरुष, तो व्हेन यू आर यूजिंग यू, जब हम सामने वाले से डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो त्वम असि मतलब तुम हो। असि तुम हो, ठीक है। तो उसका उदाहरण है ये वाला तत्वम असि, और ये दोनों एक के बाद एक वाक्य आते हैं उसी श्लोक जैसे में, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि मतलब मैं तो ब्रह्म हूँ और वही आप हो, भी आप भी, आप भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म, मतलब मैं भी भगवान तू भी, तो आप में भी भगवान, हाँ तुम है। आप में भी ब्रह्म का अंश है, मुझ में भी ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश है। तो गत सप्ताह अरुण महोदय कथम आसीत, महोदय गत सप्ताह कथम आसीत, गत सप्ताह, गत सप्ताह सप्ताह मतलब लास्ट वीक, गत मतलब लास्ट या व्हाट एवर इज ऑलरेडी गॉन, और गॉन ओके गतम महोदय गत सब सप्ताह है सप्ताह है लास्ट वीक कथम अस्ति कथम आसीत। अब देखो थोड़ा सा अंतर है क्योंकि अस्ति मतलब कैसे हैं, ठीक है, तो मैं राइट लेकिन आसीत मैं पूछ रहा हूँ उसका मतलब है कैसा रहा, मतलब हाउ वाज इट, अपन बोलते हैं ना हाउ वाज इट, हाउ वाज योर लास्ट वीक, हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर डे, तो ये वाज है, कैसा था, आसीत था, ओके आसीत, आसीत गता सप्ताहे, अच्छा अच्छा को क्या बोलते हैं, सम्यक सम्यक अस्मि, उत्तमम उत्तमम, और या फिर सिर्फ उत्तमम भी बोल सकते हैं आप कि कथम आसीत, जैसे किसी ने भी पूछा कथम आसीत मतलब कैसा कैसे हो आप, तो उत्तमम बस। हाँ उत्तमम या फिर आनंदे अस्मि, तो आनंद में हूँ ऐसे भी चलेगा। सम्यक अस्मि वो भी जो आपने बोला वो भी सही है, वो भी अच्छा है बोला आपने, सम्यक अस्मि तो अच्छे से हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाले पेज पे हम अभी नहीं आए थे अभी तक, आखिरी स्वर बचा है
अंतिम स्वर है ये वाला री, ऋषि ऋषि ओके। तो ऋषि किम करोति? ऋषि ही ध्यानम करोति। ऋषि ही आप भी लिख सकते हैं, अभी लिख लीजिए ऋषि किम करोति। ध्यानम और इसमें अनुस्वार आएगा क्योंकि अगला करोती है। ध्यानम करोति, भोजनम करोति, करोति कुछ भी हो सकता, मतलब जो भी कर रहे होंगे वो, अभी तो ध्यान कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। मान लो इनके सामने यार लड्डू रखे होते हैं और रनिंग करने का क्या बोलते हैं, रनिंग को तो हमने किया था एक जगह, अभी दिखाता हूँ मैं, उस पे चलते हैं फिर ध्यान में आएगा आपको। रनिंग करोति ये अश्व धावती वा, अश्व धावती वा, आम अश्व धावती वा मीन्स रनिंग। ओके धावती या महोदय। तो यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं कि न अश्व न धावती, बालकः धावती। ओके इधर वो अश्व तो खड़ा है पर बालक दौड़ रहा है ऐसा लग रहा है। बालक का दौड़ महोदय। तो देखिए अभी हम व्यंजनों, अभी हमने स्वरों को पूरा कर लिया है, स्वरों हर स्वर से शुरू होने वाला एक एक शब्द हम देख भी चुके हैं और उसके वाक्य भी बना चुके हैं। तो जैसे अश्व अ से चालू हुआ था, जो स्वर होते हैं ना आ ई ई उ उ, ये स्वर आपको पूरे मालूम है? हाँ महोदय स्वर। हाँ आ, आ बोलना है क्या महोदय? क्या अरुण, अरुण जी कुछ नहीं कुछ नहीं, स्वर बोलना है क्या? हाँ बोल मतलब सकते हैं, मैं सिर्फ बोल रहा था कि आपको स्वर और व्यंजन में अंतर ध्यान में है कि नहीं। हाँ अंतर पता है, अंतर पता है, मतलब मैं कहीं देखा था कि वो और भी आपने जितना दिखाया आ ई उ उ रू रू ये वो एक्स्ट्रा वाला भी होता है वो दोनों। हाँ तो वो अभी हमने ऋषि का रू किया ना। हाँ ऋषि का किया, और एक और होता है स्वरों में लृ, ये यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये वही वही रू रू या रू होता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज्यादा जगहों पे होता ही नहीं, तो इसलिए हम उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। भूल गए, छोड़ नहीं गए, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं दिखता। जब कभी उसका पहली बार उपयोग आएगा तब फिर हम उसको बारे में समझेंगे। हाँ ठीक है, तो अभी सारे स्वर, स्वरों के साथ हमने उनके शुरू होने वाले शब्द और उनके साथ साथ थोड़े वाक्य भी कर लिए हैं, मतलब हर स्वर जैसे अश्व धावती, बालक न बालक धावती, अश्व न धावती, तो ये अ से हुआ। फिर आ जो बड़ा आ है, दीर्घ स्वर, जो भी लंबी मात्रा वाले हैं वो सब दीर्घ स्वर हैं, तो आ से हमने आम्रम किया था, तो आम्रम मधुरम अस्ति वा,
अस्ति अस्मि अस्मि मधुरम अस्मि। हाँ तो अब अस्मि आप बोल रहे हो तो मैं मधुर हूँ आप ये बोल रहे हो, लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं आम्रम की, तो आम्रम तो हमेशा थर्ड पर्सन ही रहेगा। थर्ड पर्सन ही रहेगा, सॉरी क्षमा करें। तो मैंने पूछा कि आम मीठा है क्या, और आपने बोला कि हाँ मैं मीठा हूँ। तो आपने बोला ठीक, मतलब भाषा के उपयोग के हिसाब से ठीक है कि मैं मीठा हूँ बोल सकते हैं, पर वो उस प्रश्न का उत्तर था क्या, वो नहीं था। नहीं ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी जब भी हम बात कर रहे हैं। तो यदि हम आम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आम के बारे में ही बात करें, जब भी आप अपन ने अस्मि लगा दिया तो वो अब हमारे लिए हो गया ना, अपने लिए हो जाता। ठीक है, तो अस्मि तभी लगाना जब आप सही में अपने बारे में ही कुछ बोलना चाहते। कमलम। तो अब हम व्यंजन सीखेंगे, व्यंजनों में सब सभी व्यंजनों के साथ फिर से उसी तरह से चलेगा कि एक शब्द हम उदाहरण के लिए भी लेंगे, उसका यहाँ पे तस्वीर या चित्र भी रहेगा, और जिसका नहीं रहेगा उसका हम बना लेंगे, और फिर साथ में हम एक वाक्य भी बनाएंगे। तो अरुण महोदय, कमलम कुत्र अस्ति? कमलम कुत्र मीन्स कहा के वो उसको ले सरोवर नॉट सरोवर हाँ सरोवर होता है ना, सरोवर भी होता है, सरह भी होता है, सरोवर अस्ति। हाँ सरा सरह कमलम तो, सरोवरे अस्ति ये बोल सकते हैं ना, सरोवरे। हाँ, हाँ सरोवरे ओके, और सरे और सरह भी उसी का पर्यायवाची है संस्कृत में, सरह ओनली सरह इतना ही बस। हाँ सरह भी पर्यायवाची है, तो उसमें सरे हो गया या फिर सरोवरे, या फिर आप सीधे सीधे जले भी बोल सकते हैं कि जले अस्ति, मतलब जल में है। ओके आया जल अस्ति है ना, जलह सरोवरह और सरह, इन तीनों में से कोई भी चलेगा। या फिर वने अस्ति, तो वन में कमल है वो भी चलेगा, वन में कोई सरोवर होगा और सरोवर में कमल होगा तो वने भी चलेगा। कमलम किम वर्णम अस्ति? कमलम गुलाबी वर्णम अस्ति, गुलाबी को कुछ बोलते हैं उसको, रक्त वर्णम अस्ति ना, नहीं रक्त वर्णम चलेगा, यदि आप लाल बोलना चाहते हैं तब रक्त वर्णम चलेगा। पर गुलाबी का एक और है समथिंग, सही सोच रहे हैं आप। तो मैं एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ पहले प्रश्न, कमलम किम वर्णम वर्णास्ति, और यहाँ वर्णम का जो आखिरी का वर्णम है उसमें क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा कि म लगेगा? किम वर्णम वो मा मा लगेगा। और किम में अनुस्वार लगता है लेकिन इधर म लगेगा। हाँ वर्णम ति किम वर्णम पाटल वर्णम, पाटल वर्णम अदे अब अदे, क्योंकि पाटल जो है वही गुलाब के लिए शब्द है पाटल, तो इसलिए पाटल वर्णम मतलब गुलाबी। ये हमने एक यहाँ पे किया था, ये देखो जब हम इंद्रजालिका और ये सब पढ़ रहे थे ना तब हमने किया था, ओष्ठौ रक्त वर्ण पाटल वर्ण अस्ति, और पाटल पुष्पम ये गुलाब है। ओके पाटल वर्णम गुलाबी, गुलाब पाटल पुष्पम या महोदय गुलाबी। हाउ हैव यू बीन कथम आसित,
खड्गेश खड्गः खड्गः कीदृशम् अस्ति खड्गः कीदृशम् कैसे मतलब कैसे कीदृशम् मतलब कैसा है किस तरह का है किस प्रकार का है खड्गम् स्टेट क्या बोलते हैं खड्गम् लोहे हाँ तो लौह लौह धातु लोह धातु वैसा बोल यदि आप लोहे का है ऐसा बोलना चाहते हैं तो लौह धातु का उसमें का वाला उपयोग करना पड़ेगा लेकिन लोह धातु का आपने अभी का नहीं किया है क्योंकि वो उकारांत है अभी हमने विभक्तियां नहीं सीखी हैं तो आप थोड़ा आप सरल तरह से यदि बोलना चाहें तो खड्गः लौह धातु निर्मित अस्ति लंबा लंबा मीन्स उसे क्या बोलते हैं वहां पे दीर्घः अस्ति तो ओके दीर्घः अस्ति जैसे लघु और दीर्घ तो छोटा और बड़ा या फिर आप बड़ा में थोड़ा और बेहतर बोलना चाहते हैं तो इसकी शार्पनेस के बारे में बोल सकते हैं तो खड्गः एक तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लौह धातु निर्मितः अस्ति तो संस्कृत में ये आसान है कि कभी कभी किसी शब्द का मान लो आपको विभक्ति नहीं मालूम है जैसे धातु जो शब्द है वो उकारांत शब्द है तो धातु अकेला यदि आपने बोला तो लौह धातु अस्ति तो फिर होता कि खड्ग लौह धातु है लेकिन आप असल में बोलना चाहते हैं कि खड्ग लौह धातु से बना है या लौह धातु का है तो का वाला जो उपयोग है वो तो किया ही नहीं ठीक है तो का के लिए अलग से का में पर से इसके द्वारा ये सबों के लिए विभक्तियां उपयोग होती हैं संस्कृत में और विभक्ति तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं मतलब कई शब्दों में हमने विभक्तियां भी नहीं देखी हैं जैसे हम ये बोलते हैं ना सरोवरे जले तो ये आप सप्तमी विभक्ति उपयोग करते हैं ओके सप्तमी विभक्ति हाँ क्योंकि नहीं तो जो मूल शब्द है वो तो सरह सरोवरह ये है ना मूल शब्द और यहाँ पे हमको बोलना था सरोवर में या जल में तो में जो लगाना था इसलिए वो सप्तमी विभक्ति का उपयोग हुआ ओके ठीक है ना तो ऐसे कुछ कहीं कहीं पे हम विभक्तियां पहले से उपयोग तो कर रहे हैं पर अभी हमने अलग से विभक्तियों को सीखा नहीं है पूरा ऐसे टेबल बना के तो वो आएगा बाद में वो भी आएगा तो अब लौह धातु का आपको बोलना है तो का मतलब इसमें एक का के की जो होता है षष्ठी विभक्ति होता है पर अब धातु शब्द का विभक्ति अभी तो हमने नहीं सीखा तो ज्यादा आसान क्या है संस्कृत में कि हम ज्यादा शब्दों को जोड़ दो तो उसमें फिर विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो आपने यदि जोड़ दिया लौह धातु निर्मितः तो निर्मितः जो है सीधे सीधे उपयोग हो सकता है क्योंकि बना हुआ निर्मितः निर्मितः इसमें हमको विभक्ति लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना तो लौह धातु निर्मितः अस्ति फिर आप दीर्घ बोलना चाहते हैं लंबा है या बड़ा है तो दीर्घः अस्ति अस्ति ये भी बोल सकते हैं फिर हम तीक्ष्ण भी बोल सकते हैं खड्गः तीक्ष्णः अस्ति तो मतलब तेज है ओह गॉड खड्गः तीक्ष्णः अस्ति तीक्ष्णः अस्ति ओके कीदृश लौह धातु दीर्घः अस्ति तो खड्ग के लिए या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं खड्गः क्षत्रिय समीपे अस्ति तो हमेशा क्षत्रिय के पास खड्ग होता है पास है हाँ
है ना, या योद्धा योद्धा के पास रहता है, योद्धा समीपे अस्ति, या फिर राजा नृपः, रूपा या फिर खड्गः शस्त्रागारे अस्ति, तो शस्त्रागार में खड्ग होता है। चित्रकार तो उपाय बहुत हैं, एक ही प्रश्न के उत्तर खूब सारे हो बहुत सकते हैं। सारे। ऋषि तो बहुत अच्छा से बैठा है। हाँ एक क्षत्रिय, अनुभव तो ये को आपके ने हापी ने दिखाया क्या? अच्छा ये सारे मैंने बनाए। ओ चूहा, चूहा बहुत हाँ नेचुरल लग रहा है बोले। हाँ तो गणेश कुत्र अस्ति, गणेश आई विल ट्राई महोदय, इसको तो हम ट्राई करेंगे। गणेशः गणेशः देवालये अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। कुत्र अस्ति, देवालये अस्ति। आपने भी लिख लिया ये सब? लिख रहा थोड़ा। हाँ महोदय लिख लिया। अच्छा गणेश कुत्रस्ति गणेश। या फिर आप सर्वत्र अस्थि भी बोल सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी बोलना चाहते हैं। सब जगह में है। गणेश गजम के अस्ति। ओके कैसा बोल सकते हैं महोदय? गज मुखे, मतलब तो गज के मुख में हो जाएगा, पर मुख में, हाँ मुख में होता है इसलिए। हाँ गज मुखम अस्ति। तो ओके या फिर गणेशस्य मुखः गज मुखः अस्ति, तो तब और क्लियर हो जाएगा और साफ हो जाएगा कि गणेश जी का मुख गज मुख है। गणेश से गणेशस्य वाहनः गणेश मूषकः अस्ति। अस्ति। ओ गणेशस्य मुखे न मुख मुखम मुखे और मुखम महोदय। मुखे तो मुख में हो जाएगा ना, आ मुखम गणेश मुखम इज इनफ। मुखम गज गज मुखम अस्ति। मुखमस्ति। हाँ आम महोदय गज मुखमस्ति। फिनिश और ये गणेश थोड़ा बहुत भाषा हवा में अभी प्रयोग जब आप करने लगते हैं तो इतना ना। आप उपयोग कर सकते हैं आराम से। इसमें थोड़ा बहुत मतलब आप, यदि आपको लगता है कि कहीं कोई त्रुटि हो रही है थोड़ी बहुत, तो उतना चिंता मत कीजिए, चिंता मास्तु। आप आराम से बोल सकते हैं कि गणेशस्य मुखः गज मुख अस्ति, या फिर गणेशस्य मुखम गज मुखम अस्ति। तो जो भी सुन रहा है वो आराम से समझ जाएगा। गणेशस्य वाहनम मूषकः अस्ति। वाहनम वाहनम में अनुस्वार आएगा। वाहनम मूषक अस्ति।
और ये संस्कृत में थोड़ा डिफरेंट है, वो अनुस्वार विसर्ग है ना, हाँ उसका बाद वो व्यंजन लिख लेते हैं, सा रा ऐसा प्रोनाउंस करने टाइम पर वो विसर्ग और अनुस्वार नहीं लगते, वो सा गा लगते हैं जैसा। हाँ जब संधि होती है तब, तो यदि हम अगले शब्द में संधि कर देते हैं उनकी, बहुत जगहों पे संधि करने से उसको बोलना आसान हो जाता है, बोलना सरल हो जाता है। खड़गड़ खड़ग खड़गम खड़गम खड़गास थोड़ा ऐसा ऐसा बोलते हैं, पर उसकी जगह में विसर्ग लगाते हाँ लेकिन उसके भी नियम हैं, तो जब हम वो संधियां करेंगे तब हम उनको समझेंगे, क्योंकि कई जगहों पे विसर्ग, फिर से वही नियम होते हैं, आगे अगला शब्द यदि स्वर है या व्यंजन है तो उसके अनुसार वो संधि होती है। हैं। तो कहीं कहीं पे वो स से स उसकी जगह ले लेता है, कहीं कहीं पे र उसकी जगह लेता है, कहीं कहीं पे आ की मात्रा उसकी जगह ले लेती है विसर्ग की जगह। तो ऐसा अलग अलग होती हैं संधियां, जैसे जैसे हम पहुंचेंगे उसमें तब हम देखेंगे। आपको कोई उदाहरण वो याद आ रहा भगवत है? गीता में था इसीलिए पूछा। हाँ तो आपको कोई उदाहरण ध्यान में है तो बोलिए, तो हम उसको कम से कम यहाँ पे लिख लेंगे। भगवत गीता में ए तो अक्षरम ए तो अक्षरम जैसे अहम ऐसे। ब्रह्मास्मि, तो उस हाँ ब्रह्मास्मि जो है वो भी तो ब्रह्म और अस्मि, उसको जुड़ के ब्रह्मास्मि बना है। हाँ ठीक है, तो मतलब मैं ब्रह्म हूँ तो अस्मि इज हूँ, है ना? तो यहाँ पे क्या हाँ है कि ये अकारांत है, तो इसके अंत में अ और ये शुरू में ब्रह्मास्मि ब्रह्म तो अब ब्रह्म के अंत ये में कन्नड़ा में मतलब सारी लैंग्वेजेस में होता अब संस्कृत तो संस्कृत है ना, तो संस्कृत को कन्नड़ा में हाँ थोड़ी ना बोलोगे आप, संस्कृत को तो संस्कृत में ही बोलेंगे। तो संस्कृत का सबसे बड़ा लाभ हाँ यही यही है। मतलब ऐसा रूल्स होते हैं। हाँ 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 तो संस्कृत का लाभ वही तो आ प्लस है आई कि इज इक्वल्स चाहे टू तमिलनाडु आ के मंदिर में पूजा हो रही हो, चाहे उड़ीसा में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही हो, चाहे दिल्ली में हो रही हो, वेद मंत्र या सब जो भी संस्कृत संस्कृत के करते श्लोक हैं। हैं वो बिल्कुल एक ही तरह से उच्चारण होगा उसका, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसे कोई दिल्ली के संस्कृत या मुंबई की संस्कृत या तमिलनाडु की संस्कृत ऐसे तो होता नहीं। अरे तमिलनाडु वाले ऐसा ही बोलते हैं, वो ड्रेविडियन आर्यन जैसा थियरिस्ट। हाँ तो उनको अपन करेक्ट कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसी बात हो तो उनको समझाना पड़ेगा कि भैया ये तो सब अंग्रेजों का क्रिया हुआ, यहाँ वही ग्रुप में भी आज आज वो हलचल चल रहा हुआ था। था। आज हाँ कल तो भी अभी ये देखो कि ब्रह्म के अंत में अ है ना, तभी हम बोलते हैं ओके प्लस ब्रह्म, तो अ से अंत होता है, ब्रह्मा और अस्मि में भी अग्नि शुरुआत में अ हाँ है। होता है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अ और अ मिलके इसलिए आ आ की बन मात्रा जाता बन है। जाती है। हाँ अस्मि तो तब वो ब्रह्मास्मि ऐसे हो जाएगा। अब आपने वो सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो अब बंधुश जो है वो भी हाँ वहां पे सही विसर्ग था पहले, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो बंधु और च दोनों को मिला के बंधुश्च बन गया। ओके तमे वह बंधुष ओषा लास्ट में डालते हैं वही है ना महादेव। हाँ तो अब बंधु ये था पहले, बंधु धन च,
संस्कृत में इसको धन कहते हैं, धन का धन की मात्रा, धनात्मक चिन्ह है ये। बंधु प्लस छ, ओके, बंधु बंधुष बन जाता है। हाँ, यहाँ पे नियम अलग लगता है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि उसके नियम हम बाद में पढ़ेंगे जब हम संधियों को पढ़ेंगे अलग से, क्योंकि बिल्कुल एक ही तरह से हर में हर एक शब्द में नहीं होता। हाँ हाँ, तो जब विसर्ग है और अगला शब्द व्यंजन है, ये बहुत सिंपल होगा ऐसा संधि बना के बोले तो। हाँ, बहुत सरल हो जाता है एक बार उसके नियम समझ में आ जाए। में बहुत मीनिंग बन जाता है। हाँ, तो जब भी विसर्ग और अगला शब्द व्यंजन है तो फिर वो श में बदल जाता है जो विसर्ग है। वही संस्कृत में एक लाइन को डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में दो लाइन लिखना पड़ता है। हाँ, वो भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो चलो आपको ये संधि का थोड़ा सा मैंने बताया है, पर बाद में जब हम सही में संधियों में पहुंचेंगे तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क वर्ग कर रहे हैं। आपको स्वरों में, स्वर और व्यंजनों में ये ध्यान में है कि कौन सा क वर्ग है, कौन सा च वर्ग है और क्यों है। मतलब जैसे क वर्ग जो है, अच्छा, वो माउथ में उस प्लेस ज्यादा यूज करते हैं, मतलब वो उन सबको उच्चारण करने के लिए वही प्लेस यूज होता है। हाँ, तो क वर्ग जो है ये कहाँ से उच्चारण होता है इसका? थोड़ा डीप नियर थ्रोट। तो इनको कंठव्य बोलते हैं, का कंठव्य व्यंजन, क्योंकि ये कंठ से निकलते हैं। ठीक है, कंठव्य कंठव्य व्यंजन का वर्ग ठीक है। तो क वर्ग के अभी दो और बचे हैं, क ख ग तो हमने देख लिए, फिर ये घ है, घ घटह, तो घटह पुत्र अस्ति, घटह वेट 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 महोदय, घटह कुछ बना भी देता हूँ। घर घर को क्या बोलते हैं? गृहस्थी। ओ करेक्ट, गृहस्थी, घटा गृहस्थी, मतलब घर में ज्यादा यूज करते हैं। हाँ करेक्ट, तो घटा गृहस्थी, घटा गृहस्थी। ओ स्मॉल गा यूज किया है क्या हमने? गणेश हो गया, गणेश हो गया ना, हो गया, स्मॉल नहीं है वो, उसको जब हम व्यंजनों में, हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण या तो जहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा ताकत लगती है, जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा शक्ति लगती है वो महाप्राण है। घटह गृहे अस्ति या फिर घटह घटह गृहे अस्ति पाकशालायाम, पाकशालायाम मतलब पाकशालायाम मीन्स इट्स किचन। ओके, या फिर
पाचन कक्ष भी उसी को बोलते हैं, पाचन कक्ष। तो तब कक्ष है तो कक्षे अंत में हो जाएगा। पाकिस्तान शाला है वो, पाक आए तो पाकिस्तानी आ जाएगा मेन में। पाचन कक्ष, पाचन कक्ष, मूत्र प्रेजेंट किचन। हाँ, नेक्स्ट गंगा। इसके बाद ये जो है क ख ग घ, तो ये जो है गंगा वाला उपयोग है। गंगा में तो उस अक्षर से कोई शब्द शुरू तो नहीं होता, पर बहुत अक्षरों में वो बीच में आता है। तो गंगा नदी कुत्र अस्ति? गंगा नदी भरतखंडे अस्ति। भरतखंडे, ठीक है, भरतभूमि अस्ति, भरतखंडे अस्ति, ठीक है, ये चलेगा। आप उसका राज्य भी बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश गंगा अस्ति। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वो गंगा स्टार्ट तो हिमाचल में हो। हाँ, तो वही, क्योंकि कई प्रदेशों से निकलती है, हिमाचल के पास से गंगोत्री। आप भी हरिद्वार गए हैं? हाँ हाँ, वो एक फैक्ट था, मैंने कल ही देखा था वो यूट्यूब में गंगा के बारे में, और गंगा के वाटर के बारे में। क्या था? जो वो मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है उस, मतलब माइक्रोबियल्स को किल करता है वो, किसी नदी से ज्यादा फास्ट करता है। हाँ, बहुत शक्तिशाली पानी है, तभी तो गंगा जल जमा करके रखते हैं लोग। हाँ, वो कितने भी दिन आप तो रख लो वो सड़ेगा नहीं। हाँ, वो एक अंग्रेजी वाला आया था, वो उसको टेस्ट करने के लिए लेके शिप में गया था। शिप में वो 2-3 महीने होता है ना, एक 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 बार 1 महीने ऐसा होता है। उतना वक्त वो कुछ भी सड़ा नहीं था पानी। अच्छा, तब उसे डाउट आके वो रिसर्च किया, मतलब उसका रिसर्च किया तो वो पता चला वो ऐसा। मतलब बाकी पानी जो है खराब हो सकता है, पर गंगा नदी का नहीं होता। गंगा का नहीं, वो कितना भी गंदा पानी हो गंगा का, वो मतलब वही एंटी बैक्टीरिया ज्यादा ये होता है उसमें गंगा पानी। तो पानी को भी छोड़ के जल बोलना शुरू करना पड़ेगा। जल, जलम, जलम, ठीक है। तो क वर्ग हो गया, अभी च वर्ग। तो च वर्ग कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कहाँ से निकलता है? नमो नमः महोदय, वो थोड़ा कट हो गया था मेरा। हाँ हाँ, चक्रम, छा जो दांत है ना, दांत के ऊपर से आता है छा। हाँ महोदय, दांत के ऊपर, इसमें दांत किधर है?
दांत के थोड़ा सा पीछे टच होता है, आप यदि हाँ देखेंगे दांत को तो टच नहीं होता, छ च छ, च जाना उसका पीछे। अच्छा हाँ तो उसको बोलते हैं तालव्य। वर्ग को बोलते हैं तालव्य। वो जो दांत के पीछे वाला जगह है वो तालु, उसको कहते हैं तालु, इसलिए ये अक्षर जो है तालव्य है। अब हम इनके बारे में देखेंगे। चक्रम चक्रम की चक्रम दृशा अस्ति। चक्रम गोलाकार अस्ति, गोलाकार अस्ति, गोलाकारे अस्ति नहीं, कीदृश। कीदृशः अपन ने पूछा था ना, तो कीदृशः तो गोलाकार। ओके की देखो दृश्य गोलाकारे यदि आप बोलोगे तो गोलाकार एक अब लगाते हैं अपन। उसमें बोलने हाँ में। चक्रम तो गोलाकार में है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहते अपन अभी। की गोलाकार दृश्य और बहुत सारे वाक्यों में अस्थि के बिना भी काम चलता है, तो मैं सीधे ये भी प्रश्न कर सकता हूँ कि रुनोदय चक्रम की गोलाकार दृश्य, तो आप बोलेंगे चक्रम गोलाकार गोलाकार। अत्र किम अनवर्ड अस्ति, आंसर महोदय। अत्र किम अस्ति, झंडा ध्वजा संस्कृत। ध्वजा हाँ ध्वजा ध्वजा ध्वज और ध्वजा दोनों चलता है, ध्वज पुल्लिंग है और ध्वजा स्त्रीलिंग शब्द है दोनों एक ही वस्तु के लिए। मीनिंग। तो ध्वजे, भारत 24 देशस्य ध्वजे चक्रम अस्ति। वाह, द्वादश महोदय अशोक भारत, चक्र हाँ किम चक्रम अस्ति, अशोक चक्रम अस्ति। चक्र अशोक अशोक चक्र अशोक चक्र हा उसमें 24 को संस्कृत में क्या बोलते हैं महोदय? अभी चतुर हमने द्वादश गिनतियां सीखी हैं कि नहीं? अभी हमारे ख्याल से नहीं सीखी, तो अगली कक्षा में नहीं मुझे याद दिलाइएगा तो हम गिनती पूरी संख्याएं सीखेंगे। हाँ महोदय 24 पर रेखे अस्ति। आपने शुरुआत ठीक की थी, चतुर जो भी है बाद का जो हाँ अंक फोर है उसको पहले बोलते हैं, तो चतुर्विंशति, चतुर महोदय चतुर्विंशति। विंशति ओके 24 चतुर चतुर्विंशति लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा रेखा। रेखा चतुर्विंशति रेखा अस्ति और रेखा अस्ति ओके रेखा अस्ति चक्रम, चक्रम नहीं, छत्रम छत्रम किम उपयोगः। छत्रम वर्ष वर्षम को वर्षम कहते हैं ना रेन को। छत्रम वर्ष समय
समये ओके उपयोग अस्ति उत्तमम उपयोग को क्या बोलते हैं महोदय किसको क्या बोलते हैं यूज यूज उपयोग उपयोग ओके वर्षाकाले वर्षाकाले हाँ, काले ज्यादा अच्छा शब्द है वर्षाकाले लिखता हूँ मैं समय भी चलता है पर वर्षाकाले ज्यादा उपयुक्त लग रहा है वर्षाकाले उपयोग या फिर आप बोल सकते हैं छत्रम वर्षाकाले रक्षति तो वर्षाकाल में रक्षा करता है पर ठीक है वर्षाकाले उपयोग उतना भी बहुत है वो भी चलेगा वर्षा समये रक्षा रक्षति रक्षति ओके क्योंकि प्रथम पुरुष है ना छत्रम प्रथम पुरुष है आप किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए रक्षति वर्षा समय रक्षति रक्षति हाँ महोदय जलयानम कुत्र गच्छति जलयानम सागर सागरे नहीं गच्छति ओके इट वेयर इट गोस जलयानम सागर सागरे गच्छति सागरस्य गच्छति इज इट ओके महोदय आपको क्या बोलना है सागरे सागर में राइट सागरे ओके मतलब मैं पहले करेक्ट वाला था हाँ सागरस्य बोलेंगे यदि तो सागर का हो जाएगा तो जलयान सागर हाँ। का जाता है क्या वैसे तो नहीं बोलेंगे ना अपन सागर दल्ली ओके हाँ तो सागर दल्ली की जगह के लिए सागरे गच्छति सागर में सागरे गच्छति या फिर जले जलयानम जले गच्छति तो जल में जाता है वैसा भी बोल सकते हैं जलयानम बेंगलुरु नगरे गच्छति तो बेंगलुरु नगर जा रहा है वो कत्र गच्छति नगरे गच्छति और उसी से हमको पता चलता है कि क्योंकि ये जल यानम है इसलिए उसमें जो मूल शब्द है जल और यान दोनों का अलग अलग उपयोग भी हुआ जैसे यान जो है उसके भी कई सारे रूप हैं मतलब जैसे आपने बोला जल यानम तो समुद्र की नाव या बोट या शिप हो गया उसी को आपने बोला वायुयानम सिर्फ वायुयानम तो एरोप्लेन हो गया सिर्फ यानम बोला तो वो रोड पे चढ़ने वाली कोई भी गाड़ी या इन जनरल कोई भी व्हीकल वायुयान भी हो सकता है जलयान भी हो सकता है कोई कोई भी यानम हो सकता है सिर्फ यानम बोला उसी प्रकार वाहनम तो वो भी इसी का पर्यायवाची है वाहनम आनम वाहनम जलयानम ओके वाहनम वाहनम आम महोदय चलो तो इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि करोति नो करोसि आप उत्तम परिषद भवतः कक्षा समाप्त करोसि तो भवतः जब उपयोग करते हैं भवतः या भवान भवतः तो भवतः का मतलब है आपका आपको याद है आपका जब हम बोलते हैं ना भवतः नाम किम तो मतलब आपका नाम क्या है भवतः मतलब आप
तो सिर्फ तो भवान, आप बोलना है भवान। तो हाँ भवान, भवान और भवती जो है वो आप है। ओके आप समझ। तो अब क्या था प्रश्न आपका? भवान आपने कुछ बोला था भवान के साथ क्या बोलना था आपको? भवान कक्षा समा करोसी, इसका हाँ, मतलब कक्षा समाप्तम करोसी। समाप्तम हाँ, करोसी मतलब करिए ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो या उसका रिक्वेस्ट यदि मीनिंग कैसा करना है तो होगा? उसके अंत में तू लगाना है, करो तू, वद तू, लिख तू, गच्छ तू। तो तू लिखा तो लगाया गच्छा मतलब तो आप निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा समाप्तं करो तू। ओके आम रिक्वेस्ट आम अरुण तो महोदय। रिक्वेस्ट और आप कर रहे हैं उसे बोलने के लिए ये ठीक हो ना? असी लास्ट हाँ, में कर रहे हैं यदि बोलना है तो फिर हाँ आप कर रहे हैं तो करोसी, या फिर कोई और कर रहा है तो करोती। जैसे मान लो कोई बालक है और वो कहीं जाके पढ़ रहा है, या तब हम बोलेंगे बालकः गच्छति, बालकः पठति, तो तब ती ती वाले सारे लग जाएंगे। हाँ महोदय धन्यवाद महोदय अस्तु वा, अस्त महोदय अस्तु, धन्यवाद उत्तमम्। कक्षा पुनर्मिलामः समाप्तम महोदय करोमि, शुभ संध्या पुनर्मिलामः, शुभ संध्या महोदय। पुनर्मिलामः चतुर्वादने कक्षा चतुर्वादने पुरतः सप्ताहे, परंतु सप्तवादने अद्य, अद्य सप्तवादने अद्य सप्तवादने पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद महान। शुभ संध्या, धन्यवाद।